हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस प्लांट के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। दोस्तों, इस प्लांट का नाम है रियो प्लांट और इसको बोट लिली प्लांट भी कहा जाता है। दोस्तों, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए ये बताऊँगी आपको इसके बारे में कि ये जो प्लांट है बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसकी मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो 50% रेत और 50% गार्डन की मिट्टी, ये दोनों को मिक्स करो और वो जो मिट्टी तैयार होगी वो होगी वेल ड्रेन मिट्टी। वेल ड्रेन मीन्स के जिसमें पानी नहीं ठहरता। और दोस्तों, ये तो हुई इसकी मिट्टी के, इसको मिट्टी कैसी चाहिए। और इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो इसकी जो प्रोपोगेशन आप चाहते हैं कि मेरा प्लांट मरे ना, ठीक सर्वाइव करे, तो वो सर्वाइव करता है ठीक मौसम में जब बरसात होती है, चाहे वो गर्मी की हो या सर्दी की हो, बहुत अच्छा ही ये सर्वाइव करता है। वैसे तो किसी मौसम में भी सर्वाइव कर सकता है अगर इसकी मिट्टी है हर टाइम मॉइस्ट रहे और मौसम थोड़ा सा इसको ठंडा मिले। इसकी लाइट की बात करें, इसको लाइट कैसी पसंद है? इसको ब्राइट सनलाइट पसंद है, डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है, इसको थोड़ा सा ठंडा मॉइस्ट मौसम पसंद है। और दोस्तों, ये जो प्लांट है, कहीं भी आप पार्क में जाओ तो पार्क में कोई भी जैसे कोई दरख्त है उसके नीचे ये जो प्लांट लगा होता है तो बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करता है। और इसके बारे में अगर पानी की बात करें तो ये जो पानी है, अगर गर्मी है तो आप इसको 2 बार पानी दीजिए, अगर सर्दी है तो हफ्ता 10 दिन ना भी दो तो चलेगा। इसकी जो मिट्टी में पानी ठहरना नहीं चाहिए, अगर ठहरेगा, कोई भी प्लांट हो, ज़रूरी तो नहीं कि ये ही हो, अगर किसी की भी प्लांट में आप ज़्यादा पानी दोगे तो उसकी जो रूट्स है वो गलने का डर रहता है। और आप इसको पानी लिमिट ही दीजिए, ज़्यादा नहीं दीजिए। इसकी मिट्टी मॉइस्ट चाहिए, थोड़ी सी भीनी गीली गीली चाहिए, ज़्यादा गीली नहीं, थोड़ी सी। आप अगर पानी दोगे जब इसको सर्वाइव करते हो तब आप चेक कर लेना कि जब फर्स्ट टाइम आप इसको, जैसे जे किसी छोटे से प्लांट को लगाते हो तो जैसे जेल होती है एलोवेरा की, उसमें डिप करके आप लगाइए और जब लगाओगे मिट्टी में एकदम सेट कर दोगे तो पहली बार इतना पानी देना कि ऊपर तक भर देना। और नेक्स्ट टाइम जब आप पानी दोगे तो चेक करके देना, अगर मिट्टी थोड़ी ड्राई है तो पानी दीजिए, अगर थोड़ी सी भी गीली है तो मत पानी दीजिए। अगर आप चेक करना चाहते, जैसे एक पेंसिल लो, ये मेरी जैसे उंगल है, मैं इसमें डालूंगी, अगर जहाँ तक गीली मिट्टी हुई तो आप मत पानी दो, अगर सूखी हुई तो आप पानी देना। ये तो रही इसकी पानी की बात। अब दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट एक बात ये है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस प्लांट को उनसे दूर रखिए, क्योंकि ये जो प्लांट है, जैसे जो लीव्स हैं बहुत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसमें एक तरह सा लिक्विड पदार्थ निकलता है जो एक पॉइजन जैसा होता है, पॉइजन ही होता है। आप अपने बच्चों को इससे दूर रखें, जैसे घर में कोई पेट है उससे भी दूर रखें, क्योंकि ये ख़तरनाक होता है। दोस्तों, ये रही इनकी थोड़ी सी कोई इन्फॉर्मेशन और जानकारी। तो दोस्तों, अगर कोई भी आप वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि कौन से प्लांट की वीडियो देखना चाहते हों। दोस्तों, मुझे आपकी हेल्प की बहुत लोड़ है, बहुत ही ज़रूरत है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।